फोकस करेंगे टाटा टेक पे, बाप रे बाप, 700 रुपए के प्रीमियम के साथ 1200 रुपए पे। बट मैं आपको बता दूंगी, आपको वापस से मैं याद दिलाऊंगा, अगर आपको मिल गया है माल तो छोड़िएगा मत, प्रॉफिट बुकिंग के मूड में मत रहिए। शानदार कंपनी है, आपको अच्छे का माल मिला हुआ है नीचे का, तो पकड़ के बैठिए। अगर आप थोड़ा शेयर होल्डिंग बनाना चाहते हैं तो भले दोपहर भर में थोड़ा और ऐड कर लीजिए, आपका एवरेज तो नीचे का ही बैठेगा। बट नया अगर लेना है तो तुरंत मत कूदिए, ये कंपनी पुल बैक्स में लेने वाली है। तुरंत कूदेंगे तो आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये FY24 में, यानी ये जो चालू साल है उसके एंड में 70 टाइम्स पे आ रहा है। इस भाव से 1200 में लेते हो 70 टाइम्स पे ले रहे हैं आप, और 1200 में लेंगे इस साल के 50 टाइम्स नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड, तो किसी भी तरीके से बहुत सस्ता नहीं है अगर आप 1200 पे ले रहे हैं। नीचे का माल मिला है तो रोक के रखिएगा, बम्पर लिस्टिंग। मयूरेश, क्या स्ट्रेटेजी अपनाई जाए, मन भी कर रहा है लेने का, ठीक से माल मिला भी नहीं लोगों को, टाटा टेक में क्या रणनीति होनी चाहिए आज? नहीं, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क से कहा था, स्टॉक को लेकर ना एब्सोल्युटली कॉन्कर विद योर कमेंट्स अजय जी। जो वैल्यूएशंस होंगे अगर ये प्राइस पे लिस्टिंग हो रही है तो 55-60 टाइम के आसपास है, विच इज नॉट एट ऑल चीप। दूसरा, आई थिंक जो डायनेमिक्स है ग्रोथ को देखिए, ऑब्वियसली आई थिंक एक बहुत प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्टिव लग रहे हैं। एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो जो है, JLR, टाटा मोटर्स, ER&D स्पेंडिंग, आज जो ये नीच एरियाज में काम करते हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्लेटफॉर्म्स, तो यहाँ से ऑर्डर बुक विद गुड मार्जिन्स ग्रो होती रहेगी। बट समवेयर आई थिंक जो एक फ्रेंजी रहेगी नए IPOs को देखे, आई थिंक वो 2-3 दिन तक चलती है, जैसे हमने हिस्टोरिकली भी देखा है, एक थोड़ा कूलिंग ऑफ पीरियड आएगा और वो कूलिंग ऑफ पीरियड में शायद मौके हो। बट अगेन, एज यू राइटली पॉइंटेड आउट और जैसे मैंने भी कहा था, आई थिंक आपको ये स्टॉक में लंबा नजरिया रखना चाहिए। लंबे नजरिए में आई थिंक जो एक कंपाउंडिंग स्टोरी हो सकती है ये टाटा ग्रुप स्टॉक की, आई थिंक काफी शानदार हो सकती है। तो आई थिंक सिप्स में अगर ये स्टॉक्स को आप लेते हैं, पिरामिडिंग करते हैं, तो मुझे लगता है आई थिंक एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। बट फ्रेंजी में ना कूदे, मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा कूल ऑफ होने दे ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज एंड देन स्टार्ट प्रॉब्ली लुकिंग। लिस्टिंग हो रही है 1200 रुपए पे, 19 साल के बाद एक टाटा ग्रुप की कंपनी आईपीओ लेके आ रही है, और सिर्फ यही नहीं कि बहुत दिनों बाद टाटा की तरफ से कोई आईपीओ आ रहा है, मामला ये भी है कि धंधा क्या करती है। ये इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी रिलेटेड कंपनी है, और इसमें आपको एरोस्पेस का प्ले मिलेगा, आपको JLR का प्ले मिलेगा, जो हमारे देश में बहुत कस के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ रही है और आगे भी काफी बढ़ेगी, उसका प्ले मिलेगा। लेकिन हर चीज एक प्राइस पे अट्रैक्टिव होती है। अगर आपको आईपीओ का अलॉटमेंट हो गया है तो जल्दबाजी मत करिए, मुनाफा वसूली मत करिए, आपको इसमें बने रहना चाहिए, अच्छा पैसा बनेगा यहां से भी। अगर आपको लगता है कि 2 लॉट मिले, मुझे थोड़ी और एलोकेशन करनी थी, तो थोड़ा सा आप दिन भर में खरीद लीजिए, आपका एवरेज प्राइस तो नीचे का ही बैठेगा। लेकिन 1200 रुपए पे चढ़ चढ़ के नया माल मत लीजिएगा, ये बहुत चीप नहीं है। फुली प्राइस पे इसकी लिस्टिंग हो रही है, जो जिस भाव पे सेटल हो रहा है, और हमारे साथ जो हमारे दूसरे सहयोगी हैं, पैनलिस्ट हैं, उनका भी यही है कि ब्लॉकबस्टर लिस्टिंग है, लेकिन फ्रेश परचेजेस के लिए ये भाव चाहे उचित नहीं है। आपको बाजार में कई बार पैनिक आता है, कई बार आपको नीचे के भाव में माल मिलता है, ऐसा नहीं है कि आज छूट गया तो दोबारा नहीं ले पाएंगे। तो ये हो गया टाटा टेक का।